दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको जो नया टायर है वो कहाँ से परचेज़ करना चाहिए। लोकल मार्केट से परचेज़ करना ज़्यादा ठीक होता है या फिर आप ऑनलाइन परचेज़ करके अपने कुछ पैसे बचा सकते हैं, तो ये वीडियो उसी के लिए है आज का। तो दोस्तों नमस्कार, हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अशोक और मेरे आपके अपने चैनल आरएस टायर्स हिंदी में सभी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों एक्चुअली क्या है कि मुझे, मेरा खुद का मानना ये है कि सबसे पहले आपको नया टायर परचेज़ करते हुए अपने नियरेस्ट मार्केट में एक बार प्राइस टायर के चेक करने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मुझे एक MRF का मेटोर एम टायर लेना है, मान लीजिए 2000 रुपये मुझे मार्केट में किसी ने बोला है, तो अभी हम ऑनलाइन प्राइस कैसे चेक कर सकते हैं और कहाँ से चेक कर सकते हैं जिससे आपको बहुत अच्छी चीज़ मिल जाए और आपके कुछ पैसे बचें। तो दोस्तों सबसे पहले आप किसी भी ब्रांडेड टायर को लेने से पहले ना आप उसकी खुद की वेबसाइट पे उसके प्राइस चेक कर लीजिए। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सारे अपने प्राइस जो रेट्स हैं वो अपनी वेबसाइट पे टायर्स पे डाल के रखते हैं। जैसे अब हम ये MRF की वेबसाइट पे यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, तो अभी यहाँ पर ये मॉडल नंबर वगैरह मांग रहा है मेरी बाइक का। तो ये डालने के बाद आप रियर पर चले जाइए, यहाँ पर अभी हमें मेटोरम देखना है। तो ये सबसे नीचे वाला मेटोरम टायर यहाँ पर आ गया है जिसका MRP आपको यहाँ से नज़र आ रहा है 1910 रुपये। ठीक है, ये आपको यहाँ से नज़र आ रहा है। तो अभी हमने ये किया कंपनी की वेबसाइट से चेक, अब हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं और अदर्स जो वेबसाइट्स होती हैं लाइक अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह। तो दोस्तों रियलिटी में आपको बता रहा हूँ, ये 10 मिनट की आप मेहनत करके ना 200-300 रुपये आप टायर पर अपने बचा सकते हो। दोस्तों ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो आपको ऑनलाइन टायर में आपके कुछ पैसे बचाने में मदद कर सकती हैं। ठीक है, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, और अभी हम एग्ज़ाम्पल को आगे कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी क्या है कि हमने, जैसे कि MRF अभी हमने साइट चेक किए थे, अब हमने अमेज़ोन पे टायर चेक किया है। तो ये अमेज़ोन पे आपको दिखा रहा है स्क्रीन पर 1865 रुपये, और इस पर पहले डिलीवरी चार्जेस एक बार चेक कर लेते हैं, कोई कंपनी ले तो नहीं रही यहाँ पर। तो डिलीवरी चार्जेस यहाँ पर नहीं है, 1865 का ही है। ठीक है, अब इस प्राइस को हम चेक कर लेते हैं फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर। तो ये दोस्तों मैं आपको एग्ज़ाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे भी बहुत महंगा है। तो एक्चुअली आप इसे कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं। और दोस्तों मेरा मानना ये है, अगर आपको मार्केट में 50-100 रुपये के हेर फेर में भी अगर टायर मिल जाता है, तो वो उसे वहाँ से लेना आपको ज़्यादा अच्छा होता है बजाय ऑनलाइन लेने के, क्योंकि ऑनलाइन में रिप्लेसमेंट वगैरह के इशू के बारे में कुछ नहीं पता होता है हम लोगों को। तो दोस्तों ये वीडियो थी आज का, और देखने के लिए सभी भाइयों को धन्यवाद।